बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हम फेस करते ही करते हैं लेकिन अगर और भी हम मैनुफेक्चरिंग की तरफ देखें तो एक और जो मेजर चैलेंज हम फेस करते हैं वो आता है कि वी लैक आर एन डी एंड वी लैक स्किल्ड पीपल जी तो इसका व्हाट यू थिंक इज़ द मेन रीज़न व्हाई इज़ इट सो देखिए ये तो स्टार्ट जो होती है ना ये आपकी यूनिवर्सिटीज से ही है यूनिवर्सिटीज इसकी मेन रीज़न है कि यूनिवर्सिटीज़ युनि, जो है ना उस टाइप का बंदा ट्रेन बना के मार्केट में निकाल ही नहीं रहे जो मार्केट की डिमांड है जो उसकी नीड है क्योंकि कभी यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ एफिलट हुई नहीं उन्होंने कभी हमसे पूछा नहीं कि आपको चैलेंजेस कहाँ आते हैं कहाँ पे आपको स्किल लेवल की सर आपको लगता है कि ये एजुकेशनल से आएंगे मेरे कारोबार बन के रह गए ये हंड्रेड परसेंट जो है आपके जो एच है उसकी जिम्मेदारी कि यूनिवर्सिटीज़ को देखें देखिए देखे, मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक हेल्थ और आपका एजुकेशन ये बिजनेस है नहीं ये कारोबार है नहीं ये खिदमत है जो बंदा भी एजुकेशन के सेक्टर में आता है या हेल्थ सेक्टर में आता है तो उसके माइंड में ये होना चाहिए कि यार मैंने जाके इस कॉम की खिदमत करनी है ये खदमत है ये तो मैंने कहा तो इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन होनी चाहिए ये तो प्रॉफिट के लिए बनी नहीं है एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ बनी नहीं है कि आप इसे प्रॉफिट कमाएं ये आपने लोगों की आवाम की मुल्क की आप खिदमत करें हेल्थ भी ऐसे है कि ये कारोबार तो है नहीं लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों इस वक्त पाकिस्तान का टॉप बिजनेस है अगर आप एजुकेशन में आप हेल्थ में आप रातों रात अमीर बन जाएंगे देखे ये, देखे ये नहीं होना चाहिए तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दें कि जी आपने तो प्रॉफिट है नहीं इसमें आपसे टैक्स वगैरह नहीं लेंगे लेकिन आप इलाज सस्ता करें आप एजुकेशन को सस्ता करें ताकि गरीब का बच्चा भी जो है वो भी डॉक्टर बन सके वो भी इंजीनियर बन सके एक तो ये चीज़ दूसरी आप स्किल लेवल की कह रही थी बदकिस्मती से ये बहुत ही सीरी जूनी लीवर के जो सी आमिर पराचा साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आप बेशक उसे सर्च कर देख सकते हैं उन्होंने कहा उनके पास बकायदा रिसर्च थी स्टडीज़ थी कि हम अपने पूरे खत्ते के ना लेस प्रोडक्टिव लोग हैं इस पूरा इसमें इंडिया भी है इसमें बांग्लादेश भी है इवन अफगानी भी है हम उनसे भी प्रोडक्टिव ले, लेस प्रोडक्टिव लोग हैं और इसकी जो मेन है वो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उस तरह का बच्चा डेवलप कर ही नहीं रहे वो उसको वो पढ़ा नहीं रहे वो बच्चे का कोई कसूर नहीं है वो तो अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में वो तो बच्चा ही है उसको तो नहीं पता कि आगे दुनिया में हो क्या रहा है लेकिन जो वहाँ के डायरेक्टर्स हैं जो एच हैं जो प्रोफेसर्स हैं जो उनके ऑनर्स हैं यूनिवर्सिटियों के तो उनको तो पता है ना कि मार्केट में क्या चल रहा है और इस वक्त इंडस्ट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है तो वो उस टाइप के बच्चे लेके हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोस कर सके अब पूरी दुनिया के बिजनेस कारोबार जाके चाइना में क्यों बनाते हैं फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान क्यों नहीं आते क्योंकि चाइना में आपको हर तरह का स्किल लेवल मिल जाता exactly. है अब लोग कहते हैं जी बाहर से कंपनीज़ नहीं आते मुझे ये बताएं कि बाहर से कोई कंपनी आके क्या करेगी यहाँ पर बंदा कहाँ से ढूंढेंगे आप यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाएंगे जी हम लेदर बनाएंगे लेदर के बंदे कहाँ जुड़ेंगे जो स्टाफ है वो कहाँ से लेके आएंगे प्रोडक्टिव लोग तो आपके पास है नहीं फिर आपको चाइना से बंदे पकड़ के लाने पड़ेंगे और उसके ऊपर मैनेजर्स लेवल पे बिठाने पड़ेंगे तो हम बाहर से कंपनीज इसलिए नहीं आ रही कि यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है लेबर का भी तो मसला है भाई बंदा कहाँ से लेके आए ट्रेंड बंदा ही नहीं है आपका बाहर से लेकर आना पड़ेगा बंदा तो बंदा कहता है इससे अच्छा नहीं मैं उधरी फैक्ट्री लगा लूँ तो ये इसके ये हमारे मुल्क के जो इकानमी की जो सिचुएशन हुई है बाहर का इन्वेस्टर नहीं आ रहा इसमें बहुत बड़ा रोल ये यूनिवर्सिटियों के ऊपर भी आता है कि आप उस तरह का बंदा मार्केट में निकालें जो हमें ज़रूरत है हमसे पूछें हमसे डिस्कस करें सर तो क्या ऐसे फौरी एकदम आते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आपके ख्याल में अभी तो मेरे ख्याल में जो हमारा एग्रीकल्चर जो है जो शुरू से हमारा रहा है बिज़नेस हमारे इस मुल्क का उसे एग्रीकल्चर को ही थोड़ा सा अगर बेहतर किया जाए जैसे मैं आपको टी का बता रहा था कि एक्जैक्टली हम साल की 200 अरब की चाय पीते हैं और ये 200 अरब वो है जो नंबर्स में हैं जो फ़ाइलों में है इसके अलावा आपको स्मगलिंग होती है अंडरमेसिंग होती है तो मुझे लगता है कि हम चार अरब की चाय पी जाते हैं साल में तो ये जो चार अरब है पहले इसको बचाया जाए मेरे ख्याल में गंदुम रोटी से ज़्यादा हम चाय पीते हैं हर बंदा गंदुम ज़्यादा इसकी कंजप्शन है चाय की मैं खुद दिन में एक रोटी खाता हूँ लेकिन मैं दिन में कुछ छः कप चाय पीता हूँ हर बंदे की यह स्टोरी है तो गंदुम से ज़्यादा रोटी ज़्यादा आपके मुल्क में चाय पी जाती है तो आप सबसे पहले चाय को कैटर करें ये मानसेरा की तरफ मेरे ख्याल में कोई एक लाख एकड़ का एरिया है और हमारी पाकिस्तान टी रिसर्च इंस्टीट्यूट बाकायदा है जो बदकस्मती से पता नहीं क्यों फ़्लॉप बैठा हुआ है ना हमें पता है उसका डायरेक्टर कौन है मैं गूगल पे भी देख रहा तो मुझे कोई उसका नंबर ही नहीं मिला कि कौन डायरेक्टर है कौन देख रहा है ताकि मैं कॉन्टैक्ट कर सकूँ ताकि इस पर मज़दीद मैं काम कर सकूँ उसको दोबारा जो है ना फाल किया जाए उस पर काम किया जाए चार सौ अरब तो पहले आप यहाँ से बचा लें जो इम्पोर्ट है आपकी ज्यादा है जो चीज़ें हम बाहर से लेके आ रहे हैं इस हमारे कुकिंग ऑयल सोयाबीन बाहर से आ रहा है उसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन की जाए फार्मर को एजुकेट किया जाए कि भाई आप ट्रेडिशनल क्रॉप से निकलें गंदम शम को छोड़ें आप प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ आए आप जाफरान उगाएं आप जो है एलोवेरा गवार गंदल उगाएं आप संदल उगाएं आप सोयाबीन उगाएं चिया सीड उगाएं मुरिंगा उगाएं इनको उगाएं हमारी सारी कंडीशन फेवरेबल हैं सबके लिए एक्जैक्टली जो चीज़ इंडिया में हो सकती है वो यहाँ पर भी हो सकती है लेकिन हमारे बेचारा फार्मर से मिले उसको तो बस दो ही क्रॉप आती है गंदम और गन्ना गंदम वो हाँ, तो तीसरा उसका कपास उसको पता नहीं उसको लगता है दुनिया में तीन ही फसलें भाई इसके अलावा भी कुछ दस हज़ार फसलें प्रॉफिटेबल क्रॉप्स हैं आप प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ आए क्योंकि पूरा दुनिया में आप फार्मर्स हैं ना जो वहाँ के अरबपति लोग होते हैं उनमें फार्मर्स भी आते हैं हमारे मुल्क में नहीं है हमारे मुल्क में सबसे गरीब तबका है किसान तो आप फार्मर्स को एजुकेट करें उनको नए नई क्रॉप्स की तरफ लेके आए जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कहें कि आप सिर्फ गंदमश पर काम ना करें आप प्रॉफिटेबल क्रॉप्स का एक डिपार्टमेंट बना दें कि इधर हम वो चीज़ें सिखाएंगे जो प्रॉफिटेबल हो और यंग फार्मर्स को लेके आए मैंने आज तक कोई यंग फार्मर नहीं देखा जब भी देखा बेचारा कोई बुजुर्ग ही देखा है जो यंग बच्चे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं इनको कुछ कुछ एरिया कोई जमीन दी जाए दस एकड़ पंद्रह एकड़ ग्रेजुएशन के बाद लीज़ के ऊपर कि आप यहाँ पे ये क्रॉप उगा के दिखाएंगे हमें ये क्रॉप करके दिखाएंगे फिर आपको डिग्री दी जाएगी डिग्री कि दी आपको ये नहीं लगता एक वजह यह भी है क्योंकि अभी भी हम अगर किसानों की या फार्मिंग की बात करें तो अभी भी हम उस सेक्टर में 1960 1950 में ही फंसे हुए हैं जी ऐसे ही है वो देखें उसकी रीजन है ना वो फार्मर एजुकेट नहीं हुआ ना यहाँ पे वही करता जिसे कुछ काम नहीं होता ना वो जाके ज़मीन में जाके गंदम लगा लेता है वो कहता जी मैंने काफ़ी बिजनेस किए चला नहीं एंड पे आके मैंने ये काम का कि ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी का बिजनेस है ये तो आपका और इवन के यूनिवर्सिटीज़ भी को भी चाहिए कि जो एंटरप्रेन्योर सेंटर बना रहे हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर बच्चों को बनाना सिखा रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर को फर्स्ट पर रखें अभी फिलहाल हम यही कर सकते हैं उसमें और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं स्टार्ट में जो आपने कहा कि हम हंगामी हालत में क्या कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करें कम अज़ कम आप अपना फूड तो ख़ुद उसको उगाए ना अपने फूड की प्रोडक्शन तो मुल्क में खुद करें ना कम से कम जो आप क्योंकि हमें खाना तो चाहिए होता है अपना खाना तो पूरा करें ना हम खाना भी दूसरे मुल्कों से लेते हैं अपने लिए इम्पोर्ट करते हैं तो अपने जो कुकिंग ऑयल है आपके जो फूड हैं उनके ऊपर मेरे ख्याल में अगर हम कवर कर लें तो ये हमारी बड़ी होगी अगर पाँच दस साल में हम कर सकें बाकी जो स्ट्रैटेजी है वो चीज़ें वो फिर दस पंद्रह बीस साल के बाद होंगी पहले तो अपना पेट भरेंगे ना